जादुई चक्की। एक बार की बात है, रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे भाई का नाम राघव था। विक्रम बहुत अमीर था जबकि छोटा भाई राघव बहुत गरीब था। विक्रम अपने बड़े घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि राघव मेहनत करने के बावजूद दो समय की रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। वह अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने अपने माता पिता की सारी जायदाद अकेले ही हड़प रखी थी। उसने जायदाद में से अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। दिवाली के दिन विक्रम ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। उसके घर अच्छे अच्छे पकवान बने थे, जबकि राघव के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राघव ने ऐसे समय में अपने बड़े भाई से मदद मांगने की सोची। वह विक्रम के घर पहुंचा। उसने अपनी स्थिति के बारे में विक्रम को बताया और कुछ पैसे उधार देने को बोला, लेकिन विक्रम ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद वह खाली हाथ ही अपने घर जंगल के रास्ते से लौटने लगा। जंगल में राघव को एक बुढ़िया दिखी जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर था। राघव ने सोचा, यदि मैं इस बुढ़िया की लकड़ियाँ इसके घर तक पहुँचा दूँगा तो मुझे बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह बुढ़िया के पास गया और उससे लकड़ियों को उसके घर पहुँचाने को पूछा, जिस पर बुढ़िया ने सहमति जताई। राघव ने अपनी स्थिति के बारे में भी बुढ़िया को बताया। लकड़ियाँ बुढ़िया के घर पहुँचाने पर बुढ़िया ने राघव को मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि तुम यह मिठाई जंगल में बने गुफा में रहने वाले बोनों को दे आओ, इसके बदले में तुम उनसे जादुई चक्की मांग लेना। राघव ने ऐसा ही किया और मिठाई बोनों को देकर उनसे जादुई चक्की ले आया। बोनों ने चक्की देते हुए कहा कि तुम इससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा। जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। राघव खुशी खुशी वह चक्की अपने घर ले गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उन्होंने चक्की को ज़मीन पर रखा और अनाज फल सब्जियां मांगी। कुछ ही समय में सब चक्की से निकलता गया। उन्होंने जिसके बाद भर पेट अच्छा खाना खाया। राघव अब चक्की में से निकलने वाले अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने लगा, जिससे वह कुछ ही समय में अमीर बन गया। उन्होंने नया घर भी बना लिया। जब यह बात विक्रम को पता लगी तो उसने सोचा, उसका छोटा भाई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए वह एक दिन भोजन करने राघव के घर पहुंचा। खाने के बाद जब वह अपने घर जाने लगा तो उसने कुछ समय राघव के घर के बाहर छुपकर अंदर देखने लगा। विक्रम ने राघव की पत्नी को चक्की से अनाज मांगते हुए देखा, जिससे उसको राघव के अमीर होने के राज के बारे में पता चल गया। विक्रम एक दिन आकर राघव के घर से जादुई चक्की चोरी करके ले आया। घर जाकर उसने अपनी बीवी को घर छोड़कर चलने को कहा। बीवी के पूछने पर उसने बाद में बताने को बोला। विक्रम अपनी बीवी बच्चों को लेकर नदी के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगा। जब विक्रम नाव में बैठा था तो उसने अपनी बीवी को जादुई चक्की के बारे में बताया। उसने जादुई चक्की का प्रयोग करके दिखाने के लिए चक्की से नमक मांगा, जिससे चक्की में से नमक निकलने लगा। उनको चक्की को बंद करना नहीं आता था, जिससे नाव में पूरा नमक भर गया और विक्रम अपने परिवार के साथ नदी में डूब गया। राघव के पास अभी भी बहुत अनाज बचा हुआ था। उसने वह अनाज बेचा और मेहनत की, जिससे उसको अब चक्की की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।